तो फ्रेंड्स आज हम लोग अपना तीनों टैंक का जो तीनों एक्वेरियम है तीनों एक्वेरियम का आज मेंटेनेंस करेंगे। तो बेसिक मेंटेनेंस में हम लोग करेंगे क्या, पूरा इसका ग्लास जो है ग्लास क्लीन करेंगे, कुछ कटिंग करेंगे प्लांट और वाटर चेंज करेंगे। तो जो भी प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो पे, तो आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये नॉर्मल जो टूथब्रश होता है वो टूथब्रश से हम लोग पहले ग्लास को क्लीन करेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा एलगी यहाँ पे कांच पे है ग्लास पे, तो इसको पहले पूरा ग्लास को क्लीन कर लेंगे। ये सब कुछ आपको वाटर चेंज करने से पहले करना है ताकि जितना भी डस्ट हो या फिर जो भी एलगी हो वाटर चेंज में वो सब निकल जाए। वाटर चेंज के बाद नहीं करना है, पहले ग्लास क्लीन करना है या कटिंग जो भी कर लेना है सबसे पहले, उसके बाद ही वाटर चेंज एकदम लास्ट में करना है, फिर फर्टिलाइजर हम लोग डालेंगे। ये जो एल्गी का इशू हुआ है ये इसको ब्रश एल्गी या ग्रीन बियर्ड एल्गी बोलते हैं, ये काफ़ी ज़िद्दी एल्गी है, इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो जितना हो सके इसको काट के या फिर कोई भी लिप्स में, जैसे ये कोई भी प्लांट का लिप्स में हो गया तो आप उसको काट के निकाल सकते हो ऐसे, उसके लिए ये ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। फिर उसके बाद ऐसा एक साइफन पाइप एक यूज़ कर लेना ताकि अच्छा से जो नीचे का जो डस्ट है जो वो डस्ट अच्छा से वो यहाँ से हम लोग निकाल सकें। अगर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ का डस्ट पूरा आ रहा है नीचे, इसको धीरे धीरे ऐसे यूज़ करूँगा ताकि पूरा डस्ट आ जाए बाहर। फ्रेंड्स आफ्टर वाटर चेंज हम लोग ये दो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ये एक है सीसीएम का सेफ जो कि जो हम लोग वाटर चेंज करते हैं उसके बाद इसका वाटर से क्लोरीन और अमोनिया रिमूव करने के लिए, और एक ये है इससे क्या होता है प्लांटेड टैंक के लिए इसका जो हार्डनेस होता है वाटर का, ये हार्डनेस को फिर से इम्प्रूव करता है। तो ये दो चीज़ हम लोग दोनों का कितना क्वांटिटी है सब लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे मेरा 100 लीटर का टैंक है तो हम इसमें 1 टीस्पून यूज़ करेंगे, और इसका भी सेम 1 टीस्पून यूज़ करना है।
उसके बाद ये माइक्रो लाइफ, ये हम 5 ml डालेंगे सब टैंक में, जैसे इसमें 10 ml करना है और इसमें 5 ml। इससे क्या, ये बैक्टीरिया के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया हमारा फिल्टर में है वो बैक्टीरिया फिर से रिस्टोर हो जाए आफ्टर वाटर चेंज। तो फ्रेंड्स, तीनों मेरे टैंक का मेंटेनेंस हो चुका है। आप आफ्टर मेंटेनेंस मेरा वाटर चेंज के बाद इसका क्वालिटी आप देख सकते हो, पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर अभी है। तीनों टैंक का मैंने आज वीकली मेंटेनेंस किया है, जो कि हर संडे या सैटरडे में करता हूँ, और वाटर चेंज के बाद ये फाइनल लुक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। थैंक यू गाइज़।